स्नेहितरे, हमारी विरासत का एक और हिस्सा है हमारा शिल्प, हमारी हस्तकला, हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट। ये देश की संपदा है, इसलिए बीजेपी सरकार ने इसके सच्चे साधकों को ईमानदारी से सम्मानित किया है। कर्नाटक के कबीर कहे जाने वाले इब्राहिम सुतार जी हो, या फिर बिदरी आर्ट के लिए समर्पित कादरी जी, इनकी साधना को बीजेपी सरकार ने पद्म सम्मान दिया है। हमारे यहां पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे कुशल कारीगरों की परंपरा है। हमारे कुंभारा, कम्मारा, अक्कसालीगा, शिल्पी, गारे केल सदवा, बड़गी, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। बागलकोटे तो पारंपरिक बुनकरों का एक प्रकार से हब है। इलकल साड़ी और गुलेद गुड्डा खाना साड़ी देश की शान। कांग्रेस की सरकारों ने इस प्रकार की पारंपरिक कला पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज हम अपनी इस पारंपरिक कला की प्रतिष्ठा को फिर बढ़ाने में जुटे हैं। स्थानीय उत्पाद सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया के बाजारों तक पहुंचे, इसके लिए बीजेपी सरकार काम कर रही है। ऐसे हर उत्पाद को देश के रेलवे स्टेशनों पर जगह मिले, इसके लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान भी शुरू किया है। आज भारत में टेक्सटाइल सेक्टर में अभूतपूर्व काम हो रहा है। हम पूरे देश में 7 नए मेगा टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं, जिसमें से एक कलबुर्गी में भी बनने जा रहा है। इससे पूरे कल्याण कर्नाटका के कपास किसानों को तो लाभ होगा ही, रोजगार के भी हजारों नए अवसर बनेंगे। सहोदर सहोदरिये रे, केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना भी आपके लिए बहुत मददगार साबित होने जा रही है। इससे पारंपरिक कला को नई टेक्नोलॉजी, बाजार, फंडिंग, हर प्रकार की मदद दी जाएगी। कर्नाटका की बीजेपी सरकार नेकारा सम्मान योजना भी इसी भावना का विस्तार है।